अपना हुनर दिखा दे आज। विनीत जी, आपकी कोशिशों ने हमारे देश के इनोवेटिव एंटरप्राइजेस को बहुत प्रोत्साहन दिया है और ये भी साबित किया है कि इनोवेशन और एंटरप्राइज जो है हिंदुस्तान हमारे देश भारत के दिल में है। एक बहुत सिंपल विचारधारा या थॉट प्रोसेस जो हम लोग के दिमाग में था कि अगर आप एंटरप्राइजेस क्रिएट करते हैं, अगर आप बिजनेसेस क्रिएट करते हैं रूरल भारत के अंदर, और ये एंटरप्राइजेस जो हैं टैलेंट भी अट्रैक्ट करें और ऐसे प्रश्नों का जवाब दें और ऐसे सॉल्यूशंस लाएं जो कि लोगों के लिए नौकरी पैदा करें, एम्प्लॉयमेंट पैदा करें, ऑप्शंस प्रोवाइड करें, या जिस प्रकार की कमजोरियां हैं जैसे आपके पास हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनके सॉल्यूशंस क्रिएट करें। जॉब्स कहाँ मिलेंगे? हैं जॉब्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर तो नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब्स कहाँ? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कैसे आप इस तरह के बिजनेसेस शुरू करें जो कि जॉब्स जो हैं महानगर में ना क्रिएट करें जी, गाँव में क्रिएट करें। तो अगर आप एंटरप्राइज शुरू करेंगे एक आदमी की मदद से, अगर आपने उसको पैसा दिया और उसको आपने इस तरह का सहयोग दिया कि वह एंटरप्राइज को बड़ा कर सके, तो एक से दस जाएगा, दस से सौ जाएगा और सौ से हज़ार जाएगा, और वो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो ना सरकार दे सकती है ना कोई इंडिविजुअल जॉब दे सकता है। तो आपके ये एफर्ट्स की वजह से आपके जो आपने जो जहाँ जहाँ सफलता पाई है वो कैसी जगह पे हुई है और कहाँ कहाँ पे उसका बहुत फ़र्क पड़ा है? तो मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूँ। मेरा पहला उदाहरण है, हम लोगों ने फैब इंडिया के साथ मिलके करीब छः ऐसी संस्थाएं शुरू की थी जो कि ज़्यादातर आर्टिजन्स जो होते हैं, जो कि कपड़े बनाते हैं या सिलते हैं, उन प्रकार के लोगों से उनकी ओनरशिप में शुरू की। सुमिता घोष जो हैं वो 20 साल से ये काम कर रही थी और हमने उनको बोला कि अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती हैं और उस कंपनी के अंदर आप इन औरतों को भी मालिक बनाती हैं, तब हम लोग उसमें आपको पैसा देंगे और उस पैसे का इस्तेमाल करके आप नया टैलेंट हायर कर सकती हैं और उनको सैलरी दे सकती हैं और वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल कर सकती हैं। सुमिता का पहला रिएक्शन था कि वो ऐसा नहीं करना चाहेंगी, लेकिन छः महीने बाद काफ़ी सोच के वो मेरे पास आई और बोली कि वो तैयार हैं इस नए तरीके का प्रयोग में भागीदार होने के लिए जी। और उसके बाद हम लोगों ने करीब 25 लाख रुपए उनको दिया जी। उस 25 लाख का इस्तेमाल करके सुमिता ने उस संस्था को करीब 10 करोड़ तक लेके गई। करीब जब हम उनसे मिले थे उस वक्त करीब 600 औरतें थीं, अभी करीब 3,500 औरतें उस कंपनी के मालिक हैं। अच्छा। और करीब 10,000 औरतें जो उस कंपनी से फ़ायदा उठा रही हैं काम करके। तो विनीत जी, आप जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम देते हैं वो सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि आप SME का एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, तो ये SME क्या और क्यों? देखिए, आज अगर आप एक बहुत गरीब आंतरिक हो रहे हैं जिसको माइक्रो फाइनेंस लोन चाहिए, तो हम आपको माइक्रो फाइनेंस का लोन दे सकते हैं। R1 हमारी संस्था है जो कि वेस्ट बंगाल बिहार में काम करती है। अगर आपको इक्विटी चाहिए, जो कि अगर आपको रिस्क कैपिटल होता है जिससे आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आपको किसी इंडिविजुअल के थ्रू इक्विटी चाहिए तो इंटेलीकैप इम्पैक्ट इन्वेस्टर नेटवर्क, जो कि एक एंजल नेटवर्क है, वो आपको 50 से 100 काफ़ी पैसे वाले हिंदुस्तानियों के से जो नहीं ना कि आपको पैसा देंगे पर आपको मदद करेंगे। इस संस्था को हम लोगों ने करीब 1.5 साल पहले शुरू किया था, उसने अभी तक 4 ऐसी संस्थाओं में पैसा डाल दिया है। पहला एग्जाम्पल है एक वोटेक्स करके कंपनी है, ये हिंदुस्तान की एक ही कंपनी है जो कि ATM मशीन बनाती है, जो गांव में जा सकती है, सोलर पैनल पे चल सकती है, तो बहुत रिमोट एरिया में काम कर सकती है। दूसरा मेरा एग्जाम्पल जो है श्री कुमार मिश्रा, उन्होंने भुवनेश्वर उड़ीसा में खुर्दा में एक डेयरी शुरू की। आज 2014 में 3 साल के अंदर वो डेयरी करीब 40 करोड़ रुपये का टर्नओवर करती है। इसका नाम मिल्क मंत्रा है। ये उड़ीसा के अंदर पहली रियल प्राइवेट डेयरी है। सो मेरा तीसरा एग्जांपल जो है, मैं आपको एक माइक्रो फाइनेंस से देना चाहूँगा। कंपनी का नाम R1 है और इस कंपनी के अंदर आविष्कार, इंटेलीकैप, हम लोग सब, हमने सारा जितना हमारा रिस्क था हम लोगों ने पूरा रिस्क लिया। ये बहुत अच्छी संस्था थी जो बहुत अच्छा काम असम, बिहार और बंगाल में कर रही थी, लेकिन वो बिकॉज जो 2010 का जो क्राइसिस हुआ था माइक्रो फाइनेंस में, उसके कारण स्ट्रगल कर रही थी। और हम लोगों को लगा कि ये इतनी अच्छी संस्था है, अगर हम लोग इसको टेक ओवर करके थोड़ा मैनेजमेंट स्ट्रक्चरिंग करते हैं तो हो सकता है कि हम लोग इसको बाहर निकाल सकें। R1 अभी 200 करोड़ रुपए का एसेट है इसका, और वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1,000 करोड़ तक पहुंच जाए अगले 3 साल के अंदर। अच्छा। और लो इनकम स्टेट या बीमारू स्टेट जिनको हम लोग बोलते हैं, उसकी सबसे बड़ी संस्था बने, ये उसका उद्देश्य और थे। तो आपका, आपके खुद की ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस मेजर की जा सकती है शायद
किस किस ऑर्गेनाइजेशन से आप एग्जिट किया? हम लोगों ने करीब 9 ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट किया है। हम लोग 1 लाख रुपए से शुरू हुए थे, 1 आदमी से शुरू हुए थे, अभी हम लोग करीब 1000 करोड़ मैनेज करते हैं, करीब 600 लोग काम करते हैं। वो एक पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर ये हो सकता है कि क्या आपने पैसा पूरा लौटा है। उस मामले में हम लोग उसमें 2 तरीके से देखा जाता है। एक कि लोगों को विश्वास है कि हम लोग पैसा लौटाएंगे, इसीलिए लोगों ने ज़्यादा साथ साथ में जब आप अपना रिटर्न भी देते हैं उसके साथ एक बैलेंस है कि आप उनको बताते हैं कि भला भी क्या हुआ। वो क्वेश्चन जो है हम लोग हर साल एक रेटिंग टूल हम लोगों ने बनाया है, वो रेटिंग टूल जो है वो बताता है कि जो फंड है उसने क्या अलग किया है और उसके जो इन्वेस्टमेंट जो एंटरप्रेन्योर है उन्होंने क्या अलग किया। अगर आपको एक एंटरप्राइज को अपनाना है, मदद करनी है, आपको क्या चाहिए? दूसरी बात यह है कि अगर आपको अपील करना कि लोग आप तक आएँ तो उनको क्या करना चाहिए? मैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर को ढूंढ रहा हूँ जिसके पास आइडिया हो और लीडरशिप कैपेबिलिटी हो उस आइडिया को एग्जीक्यूट करें। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग हमारे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और बहुत दुखी भी हो जाते हैं, लेकिन हम लोग साल के अंदर 5 से 6 या 8 लोगों को पैसा दे सकते हैं। बहुत ही कम नंबर है, लेकिन ये 8 लोग जो हैं 80,000 नौकरियाँ पैदा कर सकते हैं और वो जो है हम लोग का अल्टीमेट ध्येय वही है। क्या बता सकते हैं कि कौन सी क्षेत्र में आप खासतौर से कुछ एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढ रहे हैं जहाँ पहले अभी तक हुआ नहीं है? अगर आप एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी ऐसी जगह में इस तरह के आइडिया के साथ काम कर रहे हैं जिसमें आप गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें और पैसा भी बना सकें, तब आप हम लोग को सीधे लिख सकते हैं। विनीत जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबका आप आयाम बदल रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सफल हैं।